तो ये जो परिवर्तन आए हम में आधुनिकता के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, हम में ऐसे खराब परिवर्तन आए हैं जिस पर हम घंटों चर्चा करें तो पूरी नहीं। हमने ऐसी अंग्रेजी शिक्षा सीखी है जिसमें गाय तो रखो मत घर में, कुत्ता रखो। कुत्ते के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इसको कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए, इसको खुला छोड़ना चाहिए। और गाय के बारे में शास्त्रों में कहा गया है इसको साज संभाल करके रखना चाहिए, देखभाल के साथ रखना चाहिए। कुत्ता स्वतंत्र रहना चाहिए, गाय हमारी आंखों के सामने साज संभाल से रहना चाहिए। हमने ऐसी अंग्रेजी शिक्षा सीखी कि गाय तो छोड़ दी, कसाई ले जाए काटने को या कोई ले जाए, कुत्ता पकड़ के घर में बांध के पट्टे से रखा और बड़े शान से बताते देखो मेरा कुत्ता। और बताते नहीं है, रोज सवेरे उसको टहला के लेके जाते हैं, खुद नहीं जाएंगे लेकिन कुत्ते को लेके जाएंगे, शूशू कराएंगे, उसको संडास करवाएंगे, सब करवाएंगे। और गाय की बात करो तो नाक चढ़ेंगे, क्या बात कर रहे हैं, गाय घर में नहीं। कुत्ते और गाय की कोई तुलना नहीं। फिर हमने ऐसी आधुनिक शिक्षा सीखी इस देश में, यह शिक्षा ने सत्यानाश किया, अंग्रेजी शिक्षा ने तो सवा सत्यानाश किया। हम कॉन्वेंट में अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गाय का गोबर, जिस गाय के गोबर से स्नान किए बिना आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते, जिस गाय के गोबर का लेपन किए बिना यज्ञ की वेदी नहीं बना सकते आप, उस गाय के गोबर को हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे इसमें बदबू आते हैं। और दुनिया भर का कचरा अंग्रेजी सेंट और परफ्यूम उसमें खुशबू आती है जो त्वचा को भी नुकसान करते हैं, शरीर को भी नुकसान करते हैं। ये दुष्परिणाम आया कहां से? ये पिछले 100-150 साल की जो अंग्रेजी शिक्षा हमको मिली, मैकॉले शिक्षा मिली, उसने उल्टा घुमा लिया हमारा दिमाग। गाय से घूम कर हम कुत्ते पे चले गए, गोबर से घूम कर हम पता नहीं किस किस केमिकल पे चले गए। अभी हमें थोड़ा दिमाग अपना सीधा करना है, इसके लिए मैंने अष्टांग हृदय का ये सूत्र आपसे कहा है। आप आज के बाद अपने मन में गाय के बारे में मन और भावना दोनों बदलो।